सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील में आयोजित मेव समाज का राष्ट्रीय जलसा कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक कुणाल चौधरी, विधायक आरिफ मसूद और पूर्व विधायक रमेश सक्सेना अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए। जब संबोधन की बारी भोपाल के विधायक आरिफ मसूद की आई तो माइक संभालते ही आरिफ मसूद ने कहना शुरू किया कि भले ही हमारे विधायक ने नारे लगाए होंगे, मगर शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती कि हम वंदे मातरम कहें। इस बात को लेकर जब पूरा देश भारतीय सेना के पाकिस्तान पर हमले का जश्न मना रहा है, देशभक्ति से सरोवर है, देश की जनता का बच्चा बच्चा भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरे देश गुंजायमान हो रहा है, वहीं संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए विधायक आरिफ मसूद का इस तरह खुलेआम भरी सभा के बीच ये कहना कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी इजाज़त हमें शरीयत नहीं देता है। भले मेरे विधायक ने नारे लगाए, लेकिन हमारी बुनियादी लड़ाई शरीयत, और शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। तब तक हम सब लोग अपनी जान की बाजी आज भी देश में लगा रहे हैं, कल भी लगाएंगे और हमारी नस्लें भी लगाएंगे, लेकिन बुनियादी लड़ाई है कि हम वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करेंगे। और वंदे मातरम की बाजी की तो जानते हैं, उसके बीच में लगवाया गया मुझे थोड़ा बुरा हुआ इतना, क्योंकि वंदे मातरम के नारे से अगर देश को बता रहा है कि हम वफादार हैं तो मैं समझता हूँ बेईमानी। आपने अभी मेव समाज की किताब यहाँ रखी है, मैं पढ़ रहा था थोड़ी सी किताब, कई योद्धाओं का मेव समाज के आपने जिक्र करा। अरे मेव समाज का तो जिक्र है, इस मुल्क की तारीख को पढ़ो जो तुम्हारी दबा दी गई है, और गलती हमारी और तुम्हारी है जिसकी वजह से आज ये हालात बने। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, ये याद रखो। उलमाए इकराम ने अपनी जान की कुर्बानियां लगाएंगे, इतिहास गवाह है, पेड़ों पे लाशें हमारे उलमाओं की पड़ी रही है, मुल्क को आजाद कराने के लिए। हम तिरंगा उस वक्त में हाथ में लेते थे।